प्याज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने को लेकर किसानों ने रोष स्वरूप करनाल लाडवा रोड को जाम कर दिया। जाम लगाकर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि करनाल केंद्रीय अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने के रोष स्वरूप भारतीय किसान यूनियन और मंडी एसोसिएशन की ओर से करनाल लाडवा रोड जाम करके नारेबाजी की गई। वहीं किसानों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा मंडियों में उठान का कार्य देरी से किया जा रहा है, जिसके कारण यहां पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। इसी के चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है और सड़क जाम कर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मामले में डीसी निशांत कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि केंद्रीय अनाज मंडी में एक या दो दिन में अचानक गेहूं की आवक अधिक होने के कारण इस तरह की समस्या पैदा हो गई, लेकिन अब सभी किसानों को गेट पास देकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मंडी के अंदर लाने की इजाजत दे दी गई है। डीसी ने कहा कि भविष्य के लिए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने किसानों से सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। जाम ये लगाया है गड्डियों के लिए, माल अब तक कितना 30-35 हज़ार कट्टे सारे उठे हैं, 2-2.5 लाख कट्टे में से माल उठा रहे, गड्डियां नहीं इनके पास। एसडीएम के साहब एसोसिएशन परसों गई थी, लिखित में दे के आई, कल यहाँ बैठे थे सेक्रेटरी साहब थे, ये जिन्होंने थे कलर क्या वो भी थे, उन्होंने कहा कल हम आपकी गड्डी जैसे 22 अनाज सवेरे तक 37 गड्डी कर देंगे और रात तक हम इनको 47 गड्डी कर देंगे, जबकि 22 में सब एसडीएम साहब पर कंप्लेंट गई। एसडीएम खुद मुआयना करके आए सेक्रेटरी साहब को साथ लेके, 11 गड्डी तो मिली मंडी में, 1 गड्डी अनलोड होने लगी थी, 1 गड्डी कंडे थे, 13 गड्डियाँ मिली है मुश्किल से, 13 गड्डी में कितना माल उठेगा, 6,500 गड्डी, और ना ही माल उठाने का सिस्टम ठीक है इनका, 1 गड्डी में 3-3 आठ दिन माल लोड कर देते हैं, 2 गड्डी वाला सारे दिन ऐसे घूमता रहता है, मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है, सब अव्यवस्थित काम है, और बारदाने का उससे बुरा हाल है, कोई बारदाना नहीं है, मंडी में बारदाना खत्म हो चुका है, जबकि सरकार पहले कहती थी हम दाना दाना खरीदने की पूरी तैयारी है हमारी, सब तरह तरह कोई चाय की पानी की किसी बाथरूम की किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, सब समाधान कोई नहीं करे, सरकार ने वैसे ही कह दिया कागजों में भाई मंडी में पूरी व्यवस्थित है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब अव्यवस्थित काम है। नहीं, मंडी में जो बाकी किसान आए हैं उनको कोई पता, आपने बताया कि एक साथ काफी गाड़ियां आ गई थी, किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया, लेकिन किसान काफी परेशान है। जानकारी है कि इंद्री लाडवा रोड पर किसानों ने जाम लगाया है और भीड़ की तरफ से जो यूपी वाला पुल है, यूपी साइड से जो किसान आ रहे हैं 100-150 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अभी वहां पर खड़ी है, किसान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उन किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंद्री में जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है हमने बात करके उनको कह दिया है कि जो चूंकि इंद्री मंडी में अभी भी जगह बची है तो हमने उनको अलाउ करा दिया है, आधे घंटे में सारी की सारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज की गेट पास कट के अंदर चले जाएंगे। जो यूपी बॉर्डर पे गेहूं आना है उसमें हमने स्पेसिफिकली हिदायतें दी हैं कि जो रजिस्टर्ड किसान हैं वही लेके आएं, जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही लेके आएं, कोई व्यापारी वगैरह लेके आते हैं ट्रकों वगैरह में उस पर अभी हम बाद में उसको परचेज कर सकते हैं, पहली प्रायोरिटी किसानों को है। तो जैसे मैंने कहा चूँकि अभी ये अचानक से 3-4 दिन में काफ़ी सारी फसल आई है हमारे यहाँ, हो सकता है 1-2 दिन लगे लेकिन स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, आपने देखा करनाल के डिप्टी ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक